एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम्स 4:5। फाइंड द नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को हम लोग टू वेरिएबल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्लास 10th का CBSE बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टू वेरिएबल से सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट लेट फर्स्ट नंबर नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी वाई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि रेशियो जो है 5:6 है, मतलब कि एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 5:6 है, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्रॉस मल्टी 6x इज इक्वल टू 5y। तो ये 5y को इधर लेकर आओगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद अब क्या कह रहे हैं कि ईच नंबर में एक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो नंबर 4:5 हो जाता है। तो एक्स में से इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, एक्स में से 8 को सब्ट्रैक्ट कराओ और वाई में 8 सब्ट्रैक्ट कराओ तो वो इक्वेशन बन वो होता है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 8 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 4 8 32, ठीक है। अब आप एक्स और वाई को एक तरफ कर लो तो हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 32 और प्लस का 40। ये माइनस का 40 है, इधर चला जाएगा तो ये माइनस 32 प्लस का 40 हो जाएगा। अब 5x माइनस 4y इज इक्वल टू ये हो जाएगा, 40 में 32 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो आपका ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट आपकी इक्वेशन जो थी वो थी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, और जो सेकेंड इक्वेशन थी वो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। अब देखो इसमें से किसी एक को सेम होना चाहिए तो मैं एक सिक्स एक्स को गायब करूँगा। तो इसमें क्या होगा कि सिक्स इसको इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इक्वेशन सेकंड को 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये आगे स्टेप में हो जाएगा आपका, आगे स्टेप में हो जाएगा 5 6 30x माइनस 5 5 25y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6 5 30x माइनस 24y इज इक्वल टू 48। अब इसको आप करा दो सब्ट्रैक्ट, क्या करा दो दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस 48, तो माइनस माइनस कैंसिल तो वाई इज इक्वल टू आ गया 48 है, ठीक है। अब एक तो नंबर आपका ये मिल गया 48, और वाई इज इक्वल टू जो 48 है वो इक्वेशन वन में पुट कर दो। अब वाई इज इक्वल टू जो 48 है ऑन पुटिंग इक्वेशन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन आपकी क्या थी, आपकी थी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब 6x माइनस 5 इंटू 48 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 6x माइनस 5 8 40 5 और 4 5 4 20 20 2 40। तो 6x इज इक्वल टू 240 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 640/6, तो हो जाएगा 40। तो एक नंबर आपका 40 आ गया और दूसरा नंबर आपका 48 आ गया, ठीक है। धन्यवाद।